तो मंडल अधिकारियों ने प्रस्तावित रेललाइन की रेलवे बोर्ड को जो है सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। तो बॉर्डर विकास प्रस्तावित रेल सुविधा जो है यहाँ पर जोड़ा जाना है, जो कि मैंने बता दिया हुआ आपको। अनूपगढ़ साला जो सेक्शन है दोस्तों, अनूपगढ़ से बीकानेर का रेल रूट का सर्वे हो चुका है, संपन्न हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दी जा चुकी है। तो रेवाड़ी और फुतवारी दोस्तों, तो रोजड़ी में यहाँ पर रोजड़ी में खाजूवाला रावला के लिए रेल लाइन ट्यूब पॉइंट देने का प्रस्ताव भी है। तो गढ़चाना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सीमावर्ती क्षेत्रों के आधा दर्जन कस्बे और मंडियों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली दोस्तों रेलवे लाइन, इसको सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। कलकत्ता की एक निजी कंपनी की ओर से किया गया सर्वे कार्य का जो कार्य था पूरा हो चुका है, और मंडल अधिकारी की ओर से प्रस्तावित रेल लाइन का जो सर्वे रिपोर्ट है विभाग के जोन कार्यालय जयपुर से अनुशंसा सहित नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। सर्वे रिपोर्ट सौंपने के बाद सोमवार को रेलवे बोर्ड ने आला अधिकारियों से इस सर्वे पर चर्चाएं की है। श्री की रेल के अधिकारियों अनूपगढ़ बीकानेर लाइन के संबंध में दौरा करेंगे। प्रस्तावित लाइन प्रोजेक्ट की DPR लगभग 1900 करोड़ रुपए मानी गई है। इस रेलवे लाइन को बिछाए जाने के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपए की जरूरत जो है पड़ने वाली है। PM दौरे के बाद क्षेत्र के विकास में प्रमुख बॉर्डर एरिया की दोस्तों यहाँ पर मंडियों में रेल सुविधा देने की मंशा पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघावल ने रेल अधिकारियों को श्री सर्वे रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया था। अनूपगढ़ से बीकानेर वाया रावला खाजूवाला रेल लाइन बिछाए जाने को लेकर प्रारंभिक औपचार जितना भी दोस्तों यहाँ पर जितनी भी औपचारिकता थी पूरी होने के बाद रेल सुविधाओं की कुछ आस जो है बधी हुई है। क्षेत्रीय सांसद अर्जुन लाल मेघवाल की अनुशंसा पर रेल मंत्रालय ने गत वर्ष अप्रैल महीने में रेल लाइन सर्वे के लिए 75 लाख रुपए की स्वीकृति का टेंडर जो है जारी करवाया था। सर्वे करने वाले निजी कंपनी ने गूगल मैप से पहले 3 दोस्तों यहाँ पर डमी सर्वे के लिए जो है यहाँ पर मैप को दिया था, जिसके बाद 3 रेल रूट को बनाया गया था। रूट एक में जो लंबाई थी लगभग वो 202.30 किलोमीटर की थी। रूट नंबर 202 में 212.99 किलोमीटर की लाइन का नक्शा रेडी करवाया गया था, और तीसरे रूट में 237.98 किलोमीटर की रेलवे लाइन की नक्शा को बनाए जाने को लेकर यहाँ पर तीनों मैप को सर्वे करवाया गया था। तीनों रूटों में से किसी एक रूट का सर्वे कराए जाने को लेकर कंपनी ने रेलवे विभाग से स्वीकृति मांगी थी, लेकिन रेलवे विभाग ने तीनों ही प्रस्तावों को खारिज जो है कर दिया है। तीनों रूट की रेलवे लाइन की अधिक लंबाई होने से तथा रेल लाइन को जोड़ने वाले सभी स्थान भी रेल सुविधा से जुड़े नहीं पाने के कारण इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया गया। तब केंद्र सरकार इस योजना को धरातल पर लागू कराने के लिए मंशा जो है रखी गई थी। सर्वे के मुताबिक 188 किलोमीटर विद्युत चलित रेल लाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पहले हुए सर्वे में 154.400 किलोमीटर की सर्वे रिपोर्ट को यहाँ पर थोड़ा बदलाव करके ताज़ा सर्वे से अनूपगढ़ से बीकानेर जो कि सीधे तथा खाजूवाला रावला सहित मंडियों को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए कुल 188.2 किलोमीटर की रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। हालांकि अनूपगढ़ से बीकानेर की लगभग 130 किलोमीटर लंबाई वाली घड़साना रोजड़ी छतरगढ़ होते हुए बीकानेर के पास यहां पर कानासार गांव तक रेलवे लाइन बिछाए जाने का सर्वे जो है करवाया गया है। इस रेल लाइन सर्वे के मुताबिक महाजन फील्ड रेंज की दूरी से मात्र चंद किलोमीटर रहने के कारण सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सर्वे भी है, जबकि खाजूवाला जो पोस्ट दोस्तों खाजूवाला रावला को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रोजड़ी के पास टी पॉइंट देने का प्रावधान जो है ताज़ा रिपोर्ट। और बताते चलो कि यहाँ पर रोजड़ी से खाजूवाड़ा जो वाया रावला होकर जो रेलवे लाइन है दोस्तों 55 और 60 किलोमीटर के बीच में रहने वाली है। बीकानेर से खाजूवाला वाया रावला अथवा सूरतगढ़ बठिंडा अनूपगढ़ से आने वाली ट्रेनें रोजड़ी टी पॉइंट होकर खाजूवाला रावला पर पहुँचाया जा सकता है। वही दोस्तों यहाँ पर जो कि ललित शर्मा है जिलाध्यक्ष जिला के संयुक्त रेल संघर्ष समिति सूरतगढ़ के, उनका कहना है कि अनूपगढ़ बीकानेर रेल लाइन बिछाए जाने का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। प्रस्तावित रेल सुविधाओं से यात्री तथा माल भार आदि का सर्वे भी अलग से विशेषज्ञों द्वारा जो है करवाया जा चुका है। क्षेत्र को श्री के रेल लाइन की सौगात जो है मिलने की उम्मीद है। अनूपगढ़ से बीकानेर रेल लाइन बिछाए जाने पर 3 विधानसभा क्षेत्रों को उसका जो है लाभ मिलने वाला है। तो लगभग इस रेलवे लाइन पर टोटल जो कॉस्ट 188 किलोमीटर का लगभग 1900 करोड़ रुपए का कॉस्ट जो है इस पर एस्टिमेट को रेडी करवाया गया है DPR में। फिलहाल रेलवे बोर्ड के पास फाइल को सैंक्शन के लिए भेज दी गई है। जल्द इस पर बड़ी अपडेट मिलने के बाद इसके तमाम चीज़ों को रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है निकाला जाएगा। फिलहाल अभी एक दौरा जो है इस रूट पर किया जाएगा रेलवे अधिकारियों के द्वारा, जिसके बाद
इस रेलवे लाइन पर कुछ और भी चीजें जो है क्लियर होने की उम्मीद जो है बताई जा रही है। फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।